बहुत बढ़िया भाई। यहाँ से संडे का व्यू, अंकल नहीं व्यू देखो है ना सुंदर नजारे, कितने आई जाने आनी कितने जाई वही वाला सीन है बिल्कुल जेन्युइन। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज तुम्हारा भाई चप्पल उठा के जा रहा है शिप में, तुम टाइटल देख के समझ ही गए। आज हम जा रहे हैं फेरी टर्मिनल, क्योंकि आया हुआ हमारा टोरंटो वाला लौंडा रितेश, जिससे मिलवाते हैं तुम्हें। पीछे टोरंटो वाली अगर सीरीज देखी हो तो उसमें था भाई साथ गाड़ी, क्योंकि अपने ड्राइवर जा रहे हैं। और आज पहली बारी पहला ट्रिप हुआ जिसमें तुम्हारा भाई लेट है, वो तुम्हारा भाई टाइम पे है और ये सब लेट है। कनव भी आ रहा है, नरेश भी आ रहा है और रितेश भी आ रहा है। आया क्या कोई? कोई नहीं आया, किसी को टाइम की कदर ही नहीं है। तुम्हारा भाई पंक्चुअल है बट ओनली ट्रिप्स पे। फर्स्ट अराइवल बाई कनव कुमार इन द V8। फेरी होती है एक बड़ी शिप जिसमें गाड़ियाँ भी जा सकती हैं, इंसान भी जा सकते हैं, टू अ आइलैंड। तो लेट्स गो टू आइलैंड टुगेदर, गोवा वाले बीच पे बेबी आंखें मीच के। और डम डम कर दी चल से तने गाड़ो बिठा दी मारी, तो डम डम कर दी चल। सो हियर कम्स आवर पोशा। टू लेट ब्रो, टू लेट, नो पॉइंट ब्रो। टाइम दी कदर करे करो, ताही टाइम दी कदर करूंगा। नो वर्थ इट। हाउ आर यू रितेश? वेलकम टू द व्लॉग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कितनी देर होगी, कितनी देर होगी हमें? एक नंबर का चल रहा है, ये देख लो। बिग बॉस देखने आए हम। हाँ मैंने नहीं देखा क्या चल रहा है। वो स्पीकर, स्पीकर आगे बढ़ा है। गुड है, सिक्योरिटी की शिफ्ट पे देखो। बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। तो भाई अब जा रहे हैं हम वॉलमार्ट। क्यों है? मैं का तो कुछ नहीं करना, मैं कर लूंगा। इंग्लिश जान दे, जान दे, जान दे। सीधी सोने की टेंशन। हाँ और सुना दे क्या हाल है। चल चलो नहीं चलानी है, चलो फिर चलो भाई। सही में तो पेंट करने वाला हो रखा है वॉलमार्ट। रितेश का बिजनेस आइडिया, वॉलमार्ट जाके पूछो भाई पेंट कराना है। चलो भाई थोड़ी सी जल्दी जल्दी शॉपिंग करें, क्योंकि फेरी पकड़नी है, उसके लिए लेट नहीं हो सकते। कुछ लिखा होगा कहीं ऊपर, शीशा ही बल जाए भाई। देखिए कितने पैक ना डोल जो छड़िया था। वॉलमार्ट से शॉपिंग करके आ गए एंड न्यू बर्नर। सिदक भाई मिसिंग यू, ही बॉट न्यू बर्नर। भाई गाड़ी फुल पैक हो चुकी है अपनी, तो मैं चेक करा देते हैं। ये देखो नया मार्शल, बिल्कुल लेटेस्ट बर्नर, कैंपिंग सामान। और इसके बाद अब वो अपने लौंडे गए हैं लाइटर वगैरह लेने, क्योंकि बर्नर को आग लगाने के लिए, क्योंकि हमारे पास कौन सा कटारी है जिसके पास लाइटर हो। और अब तेल टैंक फुल हो रहा है, फिर इसके बाद निकलते हैं। आप 8:50 और 9:50 की अपनी फेरी है, बट वो फेरी टोटल सोल्ड आउट दिखा रहा था, इसलिए मैं 1 घंटा पहले पहुंचने का हमने सोचा था। बाकी देखते हैं हम कब पहुंचते हैं, कब निकलते हैं। यहाँ से हम निकलने वाले हैं 8:00 के बाद, 1 घंटे की ड्राइव है। 9:10 तक हम पहुंच जाएंगे, तो होपफुली हमें 9:50 वाली फेरी में एंट्री मिल जाए, क्योंकि रिजर्वेशन पहले से हो चुके थे जो पहले जा रहे हैं। देखते हैं क्या बनता है। एंड यहाँ पे $100 प्लस ले निकल चुका अपना। मार जा कटर, मार जा। ठीक है भाई, तुम्हारा काम ठीक है। चलो फिर आजा छोटू, जल्दी कर। छोटू खड़े तो अब दो। तो भाई गाड़ी लगा दी है पार्क यहाँ पे, और ये है BC फेरीज की एंट्री। वो देखो, ये मत देखो, ये देखो, वो देखो, आई मीन BC फेरी देखो। या दैट्स, ये लाइन है, ये नॉन रिजर्वेशन वालों की है, और हमारे पीछे भी एक दो एक ही गाड़ी है। तो लेट्स होप हमारी एंट्री हो जाए अंदर, और ये रिजर्वेशन वाले जा रहे हैं शायद। लेट्स होप क्या बनता है, कोई भूख सी लग रही है। नाशपति वाला काम हो जाए, थोड़ा सा कुछ खिला दे भाई। यस, तो अभी अभी हम ले रहे हैं नाशपति ब्रेक। हमारे में तो नाशपति कहते हैं, तेरे को नाशपति कहते हो? नरेश ने भी नए नए वर्ड बताए। नरेश क्या कहते हैं? नाखा इन पहाड़ी, पहाड़ी इट इज नाखा। और अंग्रेज के ठोको पियर।
नमस्ते हैप्पी दिवाली हर बात हैप्पी दिवाली बिल्कुल अपने टोल टैक्स की तरह है जैसे अपने दिल्ली गुड़गांव वाले टोल होते हैं यहाँ पे विक्रम बोल के निकल जाएंगे क्या देखते हैं भाई मेरे को तो लग रहा है पहुंच नहीं दे रहे और सिर्फ 5 गाड़ियां रह गई हैं छठी गाड़ी हमारी है और सेल्स हेड लिखा आ रहा है यहाँ पे पहले यहाँ पे 113 and 45 मुलाजमा तो भाई अब लड़कों ने एंट्री तो कर ली है बट लेकिन 2 घंटे बाद की एंट्री है अब वेले बैठे हैं पे कर दिए तो यहाँ पे चिल कर रहे हैं मैं तो मैगी बना इधर मजा आ जाएगा समा बन जाएगा कभी अभी खा रहे हैं स्वीट एंड सॉल्टी पॉपकॉर्न तो भाई टाइम हो चुका है 11:55 एंड हम ऑलमोस्ट फेरी में एंटर करने वाले हैं हम चढ़ने तो वाले थे 9:50 वाली फेरी 9:50 वाली फेरी के हिसाब से हम आए थे तो नेक्स्ट टाइम अगर तुम पहली बार आओ कभी भी आओ तो या तो रिजर्वेशन करा के आओ या फिर कम से कम 1-1.5 घंटा पहले आओ हम 9 बजे पहुंचे थे 9:15 पे बट फिर भी हमें नेक्स्ट वाली फेरी में जाना पड़ रहा है सो हम 2 घंटे से यहाँ खड़े थे चलो हमारे जैसे वेले लोग तो टाइम पास कर लेते हैं बट मे बी तुम्हारे टाइम की वैल्यू हो हमारे वैली की तरह बहुत सुंदर फेरी में लैंड हो चुके हैं हम पहुंच चुके हैं सन डेक पे सन डेक मतलब कि धूप वाली छत मतलब तुम्हें धूप और दिखाते हैं और छत दिखाते हैं पहले हम अपने बंदे ढूंढे क्योंकि हम वॉशरूम जाते जाते बिछर गए हैं और यहाँ पे अब बिखर गए हैं और अब नेटवर्क का इशू है आओ दिखाएं तुम्हें यहाँ से सन डेक का व्यू अंकल नहीं व्यू देखो ओहो नजारे तो ये फाइनली फेरी चल चुकी है एंड बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा आ रही है और ये देखो ऐसी सी फेरी दिखती है एंड ये व्यू दिखता है ये नहीं ये और गोतरा व्यू हाँ कंधा भी हमारा व्यू ही है चल नीचे आ जाओ यहाँ पे है अब गाड़ी ढूंढने की हसल चल रही है क्योंकि गाड़ी तो छोड़ो शिप लैंड हो चुकी है हमारी सिर्फ 40 मिनट और पता भी नहीं लगे बैठे बार चिल ही कर रहे थे अभी तो अपनी ऊपर थी यार तीसरे में थी अपनी चलो फाइनली गाड़ी मिल चुकी है तुम्हारे भाई की मेहनत की वजह से दिमाग की वजह से कनव ने फ्लोर ढूंढा मैंने गाड़ी ढूंढी आगे कर ले भाई गाड़ी तो पहुंच चुके हैं फाइनली अब तुम्हें दिखाते हैं गिब्सन कैसा है एंड उसके बाद आगे जाम जा रहे हैं रूबी लेक वहाँ बहुत सारे रूबीज हैं रूबीज नहीं है रूबीज है ऐसी कोई जगह चलो जहाँ पे रूबीज हो थोड़ी इंडिया पास भाई फाइनली बाहर निकल चुके हैं फेरी से देखो ओ भाई फोन गिर गया रिएक्शन भी नहीं आया इनका बड़े आरामी है देख लो व्यू देख लो छोड़ो तो भाई ऑलमोस्ट 15 मिनट की ड्राइव रह गई है एंड अब पहुंचने वाले हैं कौन सा लेक था अपना रूबी कौन सा रूबी लेक नरेश की लाते तुम देख ही सकते हो 0.5 में कवर कर रहा बहुत ही बढ़िया तो नरेश के हिसाब से नरेश कह रहे हैं मनाली की रोड लग रही है बिल्कुल हिमाचल वाला बंदा कह रहा तो मान लेते हैं वही गाड़ी पार्क करके अब जा रहे हैं बाकी का नाम और बाकी सामान लेके हम बाकी का लेके जा रहे हैं इधर चूल्हा पोल एंड चेयर्स भी ले गए वैसे तो वो और ये जगह है रूबी लेक नाम है इसका पर जब हम आए थे तब तो बहुत खाली थी क्योंकि हम रात को आए थे 10-11-12 बजे लास्ट फेरी पकड़ गए थे तो इससे लोग तो मैंने पहली बार देखे हैं मेरे को लगता था कि एक हिडन स्पॉट है जो हमने डिस्कवर किया है बट ऐसा कुछ नहीं है काफ़ी बिजी स्पॉट है प्रॉपर बीच टाइप फील है बहुत लोग हैं तो मसा जाके हमें एक टेबल मिली है तो टेबल हमने झप ली रिजर्व कर ली यस अब उस टेबल पे जाके कुकिंग शुकिंग करते हैं
तो ये देखो भाई, ये है वो लेक, वो बीच जिसकी हम बात कर रहे थे। देखो यहाँ पे हम चिल करेंगे आराम से, चिलिंग स्पॉट। तो यहाँ पे लग चुकी है हमारे naresh.com की दुकान। तो अंडा भुजी फिर 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए। पनीर भुजी, पनीर भुजी कितने की है भाई? 15 रुपए, 15 रुपए, 15 रुपए। आ जाओ आ जाओ, से ले पानी करना। वैसे तो सियाणा है, हरकत है इसकी घटिया, बाकी बंदा तो सियाणा ही है। नरेश ली तो बहुत है। देख ले नरेश काम चोरी कर रहे हैं भाई। क्या क्या ठेले पे? मैगी, अंडा, अंडा अंडे भी हैं, ब्रेड, ब्रेड, पनीर, दूध भी है। बहुत बढ़िया भाई, अपने आप हटाएगा एडिटर। ठीक है ना भाई, होगी तेरी सामान रेडी है, ले भाई बना दिया। अरे आओ भाई, मैंने कर ले पहले भाई। नरेश की सेवा में हमारा स्वागत है। थैंक यू नरेश, नरेश की किचन में हमारा स्वागत है। हाँ हाँ भाई, सब खा लेंगे। एक नंबर की पनीर भुजी रेडी हो चुकी है, सामने व्यू देखो। तो भाई पानी का सेशन शुरू होने वाला है। यहाँ पे अपना खाने वाला सामान रख के अब इधर जा रहे हैं, बढ़िया पानी में भीगेंगे। कहना आपको भीगता देखेंगे स्विमिंग पूल में। चलो आ जाओ। तो ये ट्यूब इतनी मेहनत से फुलाई है, तो इनको यूज करें। तो भाई सारा सामान एंड अप करके और पार्किंग लॉट एंड खाली करके अब हम वापस निकल रहे हैं। बस एक ट्यूब के नुकसान के साथ हम जी लेंगे, कोई बात नहीं। $500 की थी। बिग बॉस कोई बात नहीं, बोलने दे उसको, दर्द हुआ है। चलो भाई अब निकल रहे हैं वापस सरी। दैट वॉज आर ट्रिप टू गिब्सन माउंटेन्स। बहुत बढ़िया था, हमने बहुत मजे करे। इट वॉज वेरी मच फन एंड वेरी टायरिंग। कैसा रहा ट्रिप गाइस? बढ़िया था। कोई बात नहीं, थैंक यू मत कहना दोबारा। मेरे को बोलते थे छोड़ के जा रहे हैं, सफल ही सफल है। हम देखा के क्या है, बोलने ना कर रहा था, मेरे को पता था कि बोलना मतलब वो तो खोल दे, सामने खोल दे यार, सफोकेशन हो रही है अंदर की। आ जा। तो भाई मैं और नरेश अब आए हैं। क्या जगह थी ये, क्या नाम था इसका, कहां है पापा? ओ गिब्सन, गिब्सन के वाइट रॉक बियर, ये चेक करो। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर है। और हमारे शिकारी गाड़ी में सो रहे हैं, तो वो तो उनको नींद आ रही थी। मैं ड्राइवर था, मेरे इस बैक साइड से म्यूजिक वाइपर था, तो इसलिए हम दोनों जाग रहे थे और हम यहाँ रुक गए, क्योंकि हमारी फेरी को टाइम है, 10:30 की फेरी है। फेरी है तो हमारे पास 1 घंटा है, अभी 9:30 तक जाना है। सो यहाँ से 15-20 मिनट ही है। बट व्यू चेक करो, है ना सुंदर नज़ारे। कितने आई जाने आ नहीं कितने जाए, वही वाला सीन है बिल्कुल जेन्युइन भाई। कनाडा में आज इंडिया वाला नलका देखने को मिला, बट चलता है नहीं चलता वो नहीं पता, बट जेन्युइन जेन्युइन। इनके लिए ये मास्टर भी सही है, हमारे घर घर में है। देख रहे कितने चलाएगा, मेरे पर्स में डाल दे कोई बात। लॉटरी की सबकी यही स्टोरी होती है जीतने की, कि मैं रैंडमली मॉल में घूम रहा था, ऐसे ही मैंने टिकट खरीद ली, तो ऐसे ही मैं वॉशरूम यूज करने के लिए रुका था, तो मैंने खरीद ली कि बाय चांस आगे जाके कहानी सच हो जाए। बढ़िया हो गया अपनी फोन रिकॉर्ड भी हो गया भाई। फाइनली पहुंच चुके हैं एग्जिट की तरफ, BC फेरिस टर्मिनल फ्रॉम द गिब्सन साइड। बहुत एंट्रेंस ले ली एंड सब हो रहा, फुल स्लीपी। रितेश सो चुका है, मैं अब सोने के मूड में। नरेश गाड़ी चला रहा हूं और 1 घंटा एक्स्ट्रा पहले पहुंच चुके। हम देखते हैं कब तक पहुंचते हैं सरी, बहुत ज्यादा नींद आ रही है। 1 घंटा भाई फेरी में चढ़ चुके हैं और पानी का बहाव है बहुत ज्यादा तेज, लगता है ड्राइवर ड्राइवर को घर जाने की बहुत जल्दी है। लगता है ड्राइवर की नई नई शादी है, उसको जल्दी है घर जाने की। असे 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 ओ पीस वादू द कर दे या शोनी डब्बा च रख दे। लग टोल वाले स्पीड लिमिट नहीं होती किदा? क्योंकि ये होंडा लाइट्स देख के आ रहे हैं, हीरो होंडा नहीं बट होंडा सेलिब्रेशन वाली कोई लाइट होती है, जो कि आप अभी सैटरडे दिखाएंगे तुम्हें, आज थी हमें भूल गए। ट्रैफिक बहुत है रात को 12 बजे भी, सो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। बाकी एंजॉय द साउंड इफेक्ट्स। ओके कनव, बाय बाय भाई, सी यू बाय, गुड नाइट।
चलो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं घर, होम स्वीट होम। व्लॉग को करते हैं यही पे एंड। एंड बताना तुम्हें कैसे लगा हमारी वेब सीरीज फेरी सीरीज, लाइक से सब्सक्राइब करके कमेंट भी कर देना, शेयर जरूर करना अगर तुम्हें अच्छा लगा हमारी व्लॉग, बिकॉज हम सोए बिना बिल्कुल तुम्हारे लिए गए ट्रिप पे, ऐसा तो कहूँगा तो मैं झूठ कहूँगा, बट हम गए तो, बट फिर मैंने स्टिल व्लॉग किया एंड एडिट करके डाला भी, तो अप्रिशिएट द एफर्ट्स एंड प्लीज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। सी यू बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। दुकान गिर गई, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए।